अंधेरे की रात में रोशनी का सवेरा हो रहा था। हमने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन जंग अभी बाकी है। इस सब झमेले में मैं खुद अपना ही फंडा भूल गया कि जब जिंदगी में अंधेरा हो तो शिव लाइट को ढूंढ। हाँ, मेरे माँ बाप की कहानी में अब भी अंधेरा है, लेकिन मेरे लिए इसी बात में लाइट है कि मुझे आखिर में पता चल गया कि वो थे कौन। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन मूवी के बाद हम सभी लोग इसके पार्ट टू का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाई मचाई थी, तभी से लोग इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेकर्स के मुताबिक हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अयान मुखर्जी की आने वाली दो बड़ी फिल्मों पर वो काम कर रहे हैं और इन दोनों फिल्मों के बाद ही वो ब्रह्मास्त्र पार्ट टू मूवी पर काम शुरू करने वाले हैं। यानी कि अभी 2024 तक ब्रह्मास्त्र पार्ट टू पर काम शुरू होने से रहा, लेकिन 2025 के लास्ट तक ब्रह्मास्त्र पार्ट टू मूवी पर काम शुरू हो सकता है। तब तक हमें इसके सेकंड पार्ट के लिए ऑफ कोर्स इंतजार करना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट टू को लेकर लोगों में दूसरी एक्साइटमेंट ये है कि फिल्म की स्टोरी क्या रहने वाली है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू की स्टोरी इसके फर्स्ट पार्ट से ही कंटिन्यू रहने वाली है, जिसको लेकर कई फैन थ्योरीज भी बन रही है। लेकिन इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आया है। दूसरा यह है कि फिल्म में देव का रोल कौन करने वाला है, इसको लेकर भी लोगों में काफी लंबे समय से एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देव के रोल में ऋतिक रोशन या रणवीर सिंह में से कोई एक देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों के नाम को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमें देव के रोल में रणवीर सिंह देखने को मिल सकते हैं। रणवीर सिंह के साथ फिल्म में हमें लीड रोल में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, और इन सभी के साथ इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पार्ट टू में दोबारा देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र पार्ट वन को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जो कि सुपर हिट रही, और फिल्म में जिस तरह से VFX का यूज किया गया था उसको तो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, और इसी वजह से फिल्म सुपर हिट भी रही। अब देखना यह होगा कि अयान मुखर्जी इसके सेकंड पार्ट में क्या लेकर आते हैं। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू इसके पहले वाले पार्ट से काफी बड़ा होने वाला है, और फिल्म में आपकी बार VFX काफी हाई लेवल का यूज होने वाला है। मेकर्स की तरफ से वैसे तो फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी एक दो साल के अंदर हमें ये फिल्म देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी मेकर्स नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी पर काम कर रहे हैं और 2024 के लास्ट में उसे कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के हमें लगभग 3 से 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, पर फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के लिए अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और सुनने को मिल रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू हमें 2026 के लास्ट में देखने को मिलेगा। वही बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच का है। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर अयान मुखर्जी इतने बड़े बजट के साथ क्या लेकर आते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।